वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फिर इंटरफेरेंस को आगे बढ़ाने के लिए बैठेंगे। इंटरफेरेंस हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इंटरफेरेंस है क्या। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो या उससे अधिक वेव्स का इंटरमिंगल करना, माने मिलना। अब ये इंटरफेरेंस टेक्निकल भाषा में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया था जहां पर एनर्जी एवरेज से थोड़ी सी कम हो गई, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहां एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई कंस्ट्रक्टिव। याद रहे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी है वो इससे निकला हुआ है, उसी वाली वेव से, माने टोटल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू एक्सीड, जस्ट थोड़ा सा किसी जगह पर कम हो गई, किसी में ज्यादा हो गई। दूसरा, इंटरफेरेंस दो प्रकार का, सस्टेन्ड और अनसस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब जो ज्यादा देर तक रहे, जिसे हम स्टडी कर सकें, जिसे हम पढ़ सकें, समझ सकें। दूसरा अनसस्टेन्ड, अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमेशा हो रहा है, उनके कुछ पार्ट सस्टेन्ड होते हैं जिनको बेसिकली हम स्टडी करते हैं। तो हम जिसको स्टडी करते हैं बेसिकली वो अनसस्टेन्ड कभी नहीं होता, सस्टेन्ड होता है। हाँ, उस सस्टेन्ड में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो पार्ट होते हैं, इसको बेसिकली हम स्टडी करते हैं। आइए थोड़ा मैथमेटिकल प्रीव्यू देखते हैं, मैथमेटिक्स के लिहाज से ये क्या है। हमारे पास ये पता है कि जो वेक्टर होता है, अब वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस एक वेक्टर है, और वेक्टर से वेक्टर है और मूविंग वेक्टर है, तो उसमें कुछ एम्पलीट्यूड है, तो उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। इतनी चीजें माइंड में रखिए, मैं फिर याद कराता हूं। वेव है वेक्टर का मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेक्टर का मूवमेंट। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल वेक्टर का मूवमेंट लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेक्टर मैग्नेटिक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। याद होगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बात जहां E इज इक्वल टू सी बी, माने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जब आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर आता है। तो इलेक्ट्रिकल वेक्टर, अब दो वेक्टरों को जैसे जोड़ा जाएगा, एंगल डिपेंड करेगा, वेक्टर वैसे जोड़े जाएंगे, नंबर एक बात यह समझिए। और वेक्टर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। अब देखिए, एक वेक्टर मैंने E1 लिया, ए कॉस ए साइन ओमेगा टी, दूसरा बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दो अलग अलग वेक्टर मैंने ले लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, फर्क क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है और दोनों का फेज एंगल अलग है। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, कुछ नहीं करना, E1 प्लस E2 कर दिया, ये E मेरा रिजल्टेंट है और E1 प्लस E2 ये वाले वेव्स है, मैंने इनको जोड़ दिया वेक्टर फॉर्म में। देखो यहां तक मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा था कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मैंने यहां लिख दिया, मैंने दो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स को आपने जोड़ा। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया आपकी वैल्यू आई E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 5। इसी चीज को हम इधर देखते हैं मैथमेटिकली, आइए जोड़ते हैं। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स को जोड़ के दिखाया, पर अगर मेरे पास एक ए साइन ओमेगा टी और बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, मैंने इनको सिंपल जोड़ दिया, एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सपेंड कर दिया गया। अब आप देखिए, हमने इन दोनों में से कॉस फाइव साइन ओमेगा टी बाहर ले लिया, तो क्या बन गया, ए प्लस बी कॉस फाइव यहां पर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, हमने साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी फंक्शन के साथ ले लिया। अब ध्यान दिया, अब हमने अगले स्टेप पे क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना, अगले स्टेप पे मैंने ए प्लस बी कॉस फाइव को आर कॉस थीटा लिखना है और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा लिखना है। इससे होगा क्या, मेरे पास ये बन जाएगा आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अगेन ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके दोबारा इस फॉर्म में लिख दिया। इससे क्या पता लगा, आइए तो मैथमेटिकल पार्ट है, इसको समझते हैं। हमें ये पता लगा यदि दो साइन वेव्स जिनमें एक दूसरे के कंपैरिजन में फेज डिफरेंस है मिले, दो साइन वेव मिले, तो रिजल्टिंग भी साइन वेव ही बनती है, परंतु क्या क्या फर्क है, याद रखो फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा, इसकी ओमेगा जो ये बनी इसकी भी ओमेगा,
मतलब जो मेरी फाइनल वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर शुरू वाली दोनों ओमेगा हैं तो नई वाली की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। हमने दोनों वेव जोड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है पहली बात, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड बदल गया, इनका ए था इसका बी था, ये कुछ और बन गया, कुछ नई चीज बन गई। क्या है ये अब अभी हम निकालेंगे। एंड ऑल्सो फेज एंगल जिसको आप फाई ले रहे हैं यहां पर थीटा बन गया, वो भी बदल गया। मतलब दो साइन वेव्स जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है जब वो इंटरफेयर करती हैं तो जो नई वेव बनती है पहली बात उसका एम्पलीट्यूड भी बदलता है, दूसरी बात उसका फेज एंगल भी बदलता है, परंतु फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब इसको यूज हम देखो यहां कैसे करते हैं। इधर देखो हमने आर कॉस थीटा को लिखा ए प्लस बी कॉस वाई जैसे लिया था ना, और आर साइन थीटा को बी साइन फाई। अब मुझे आर निकालना है, जो लोग मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, मुझे इसका इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, आर आ जाएगा। जो नॉन मैथ्स वाले क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान रखे, हमारे पास आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है, मुझे आर निकालना है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वही हमने यहां करना है। मैंने इसको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, ध्यान तो जब इसको मैंने ऐड किया इधर तो बी साइन फाई था इधर बी कॉस फाई था, इसको देखो स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए बी कॉस फाई। जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई था इसमें मैंने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जोड़ दिया तो मेरे पास बी स्क्वायर ही अकेला बचा, इसकी मैंने वैल्यू ली। इसका मतलब ये हुआ ये नया जो वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड यहां से निकलेगा। ये फाई क्या, इनिशियल फेज डिफरेंस। फाई देखो क्या है, पहली वाली फेज वेव्स का फेज डिफरेंस। अब यहीं पर सोचो और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, उससे क्या पता लगा, इंटेंसिटी की फॉर्म में I1 प्लस I2, I1 क्या है पहली वेव की इंटेंसिटी, I2 क्या है दूसरी वेव की इंटेंसिटी, और 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 5। ये मैथमेटिकल प्रीव्यू हमने ले लिया। अब ध्यान देखिए जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है वहां पर 5 बिकम्स इक्वल टू 0, तो A प्लस बी बन जाएगा बिकॉज ये यहीं से निकला है, 5 को 0 पुट कर दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। और जहां पर मिनिमम निकलनी है, देखो एक बात और ध्यान दो, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये मिनिमम है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज ही आएगा। अब अगली बात हमें समझनी है, एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन जो हमने दो वेव्स को आपके सामने इंटरफेयर कराया उनमें फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट था, ओमेगा सेम था, इसीलिए जिन वेव को आपने इंटरफेयर कराना है सस्टेंड वाला, अनसस्टेंड हमेशा हो रहा है, हमने स्टडी सस्टेंड करना है, तो सस्टेंड इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन है। पहली बात फ्रीक्वेंसी लैम्डा और कांस्टेंट फाई होना चाहिए, इसी का नाम, तभी ये सस्टेंड इंटरफेरेंस दे पाएगा। और जो सोर्सेस सस्टेंड इंटरफेरेंस दे पाते हैं उन्हीं का नाम कोहेरेंट सोर्स भी होता है। तो ये कंडीशन है इसकी, देखो शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी सेम लैम्डा कांस्टेंट फायर, इससे होगा क्या, मैक्सिमा विल ऑलवेज रिमेन मैक्सिमा माने सस्टेन्ड। अब ध्यान दो ये क्या कहने का मतलब है, यदि फेज डिफरेंस बदलता रहा, मतलब फाई बदलता रहा, कभी फाई 30 बन गया कभी 60 बन गया कभी 90 बन गया, तो उसी पॉइंट के ऊपर जहां पर आना चाहिए कभी मैक्सिमा आएगा कभी मिनिमा आएगा। यहां देखो ये इक्वेशन, अगर मैं फाई को मैं बोलूं मेरे पास वेव है ये फिक्स नहीं रह रही है, कभी कभी इसकी मर्जी है फाई कभी 90 होता है कभी 0, तो मेरा ये वाली वैल्यू बदलती रहेगी जो मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा शुड रिमेन मैक्सिमा, सस्टेन्ड बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगला देखो एम्पलीट्यूड प्रेफरेबली भी इक्वल, ये प्रेफरेबली देखो यह शब्द है क्योंकि होना चाहिए आसपास होगा तो बेहतर होगा, क्यों होगा अब ये समझो, हमने उस बेसिक पर लास्ट में निकालना क्या है, निकालना हमने सिर्फ एक ही बात है कि कहीं पर एनर्जी बढ़ गई कहीं एनर्जी घट गई, जहां बढ़ेगी वहां लाइट बढ़ेगी, लाइट बढ़ेगी का मतलब वहां ब्राइटनेस बढ़ेगा, जहां घटेगी मतलब ब्राइटनेस कम हो।
अब समझो, मान लो मेरे पास दो सोर्स हैं, एक 90 का एक 10 का है, तो जब जुड़ जाएंगे, यूनिट समझ लीजिए आप, एम्पलीट्यूड ले लीजिए, उससे बनेगा, तो जब जुड़ेगा तो 90 प्लस 10 100, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस 10 80, माने जहां पर मैक्सिमम मिलेगा वहां की यूनिट है 100, जहां मिनिमम मिला वहां की यूनिट है 80, 100 वर्सेस 80। लेकिन अगर मेरे पास वही दोनों सोर्स मान लो 50-50 के हैं, जब जुड़े तो 100, जब घटे तो 0, तो कॉन्ट्रास्ट माने 0 वर्सेस 100 और 80 वर्सेस 100 में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कहां नजर आएगा? मैंने आपसे कहा इंटरफेरेंस में हम क्या ढूंढते हैं, कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या डिफरेंस तगड़ा होगा तभी मैं समझ पाऊंगा, इसीलिए प्रेफरेबली का नहीं ना, प्रेफरेबली इसके लिए कहा कि यदि नहीं होगा तो इंटरफेरेंस तो फिर भी होगा, मिनिमा विल बी परफेक्ट डार्क, तो क्या होगा, इजीली डिटेक्टेबल। अगला पॉइंट देखो, लाइक क्लोज टू ईच अदर, क्यों? दो जगह से वेव निकलेंगी सोर्सेज, और अगर वो पास पास हैं तो जहां पर मुझे स्टडी करना है वहां से दोनों की दूरी लगभग बराबर होगी, तो एक की इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने दो बल्ब रखे हैं, मैंने उन दो बल्बों से मैंने मान लीजिए इंटरफेस करा रहा हूं मैं, और अगर मैंने जो मेरा स्क्रीन है वो एक के पास है दूसरे के दूर है, एक के पास है दूसरे के दूर है, उस केस में देखिए होगा क्या, जिसके पास है उसकी लाइट ज्यादा नजर आएगी, जिसके दूर है उसकी कम नजर आएगी। तो जो मेन हमें समझनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर, दोनों की बराबर बराबर आएंगे वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास मोनो नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अगर कलर, इसका मतलब एक ही कलर लाई, अभी आपने हमने पहला क्या बताया, न्यू सेम करो माने एक कलर करो, अगर कलर अलग अलग हो जाएगा या व्हाइट लाइट डाल दोगे तो आपको पता है व्हाइट लाइट 7 कलर से बनती है, तो 7 जगह पर मैक्सिमा, 7 पर मिनिमा, 7 पर ब्राइटनेस, 7 पर डार्कनेस, क्योंकि एक व्हाइट कलर 7 में टूट जाएगी। यही चीज यहां कलर फ्रिंजेस मिल जाएंगे आपको इंस्टेड ऑफ वन कलर, अगर आपने नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स पकड़ लिया, क्योंकि कभी ब्लू का मैक्सिमा हो रहा है तो रेड का मिनिमा हो रहा है, तो आपके पास कलर आएंगे, कहीं ब्लू का मैक्सिमा, कहीं रेड का मैक्सिमा, कहीं ग्रीन का मैक्सिमा, तो मल्टी कलर फ्रिंजेस आ जाएंगे आपको। आखिरी पॉइंट इसका देखिए, दे शुड बी नैरो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नैरो नहीं होगी तो डिफ्रेक्शन इसके बीच में आ जाएगी, डिफ्रेक्शन आप अगली बार समझेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए समझिए कि पॉइंट सोर्स नैरो, अगर वैसे समझना हो तो नैरो सोर्स अगर नहीं है उसमें कई सारी वेव्स एक साथ दाएं बाएं से निकल जाएंगी, तो उन सबका इंटरफेरेंस मुझे स्टडी करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, डिफ्रेक्शन खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ये इंटरफेरेंस का हमारा बेसिक लॉजिक है। ये जो कंडीशन बताई है, इन कंडीशन वाले जो दो सोर्स हैं उनका नाम कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स ही ऐसी चीजें बना सकते हैं और ऐसे कोहेरेंट सोर्सेस का ही ये नाम है। अब सुनिए एक बात और माइंड में समझिए, उसके बाद हम इंटरफेरेंस की बात अभी थ्योरेटिकली बात खत्म करेंगे, हालांकि इसका एक्सपेरिमेंटल यंग्स डबल डिटेल में करेंगे। कोई भी दो बल्ब इंडिपेंडेंटली कोहेरेंट सोर्स बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? एक बल्ब में 10^6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन जंप करता है, 10^6 टाइम्स, और छोटे से छोटा बल्ब भी होगा उसमें 10^23, आपकी समझने के लिए एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है, तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, मतलब 10^21, 22 इलेक्ट्रॉन्स 10^6 टाइम्स एक साथ जंप करें और आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते हैं। कोहेरेंट सोर्स बनाने के तरीके हम अगली बार सीखेंगे, उस पर होगा, लेकिन अब इंटरफेरेंस को थोड़ा ऐसे देख लिए, ये है इंटरफेरेंस, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये इंटरफेरेंस है, ये पॉइंट परमानेंट डार्क उसमें है, डार्कनेस पे, क्योंकि इस पर लाइट जहां पर एक का प्लस है एक का माइनस है, अलग अलग डायरेक्शन की वेव्स आ रही है, देखिए यहां देखो, ये देखो, ये दोनों इंटरफेयर होकर बन रही है, कभी ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कभी मैक्सिमम, जब स्ट्रेट बनी तो क्या है, डार्कनेस आ गया, ये अनसस्टेन इंटरफेरेंस टाइप आ रहे हैं, इतनी जल्दी होते हैं पता ही नहीं पड़ता। या ये देखिए, यह है इंटरफेरेंस। अब हम अगली बार सस्टेन इंटरफेरेंस और उससे रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे। ये थी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा।
इसके बाद जो YDS एक्सपेरिमेंट है वही सबसे अधिक हमारे कंपटीशन की जान है, उसी पर हमारे क्वेश्चन आते हैं, उसको डिटेल में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।